Hello friends, today we are going to learn about the SQL date functions. So let's get started. There are already inbuilt functions available in the SQL which are very helpful for the date, like formatting the date and casting and all this stuff. So let's get started with how the date functions are implemented and how much they are helpful for us. So first of all, install the SQL Server Management Studio and create one database. In that you can implement these queries and test the all the functions. So hum yahan pe demo karne ja rahe hain. Sabse pehle date hai, getDate. So what this function do? So getDate function return the current date. जो भी अगर आपको आज की डेट चाहिए तो यू कैन सिंपली गेट फ्रॉम द गेट डेट फंक्शन. सो एंड सिंटैक्स इज सिंपली गेट डेट एंड सिलेक्ट. दिस इज द एग्जांपल वी आर इम्प्लीमेंटिंग, लाइक सिलेक्ट गेट डेट एंड इट विल रिटर्न द डेट. इट विल रिटर्न अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ योर सर्वर. लाइक आपको जिस जो भी आपका सर्वर है कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया यू एस एन वट एवर उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न करेगा. सो दिस रिजल्ट इज लाइक, और अगर आपको इसको कॉलम का नाम चाहिए तो एज करंट डेट वट एवर यू कैन से इट विल रिटर्न. सो सॉरी इट इज अ एज करंट डेट. तो ये आपका रिटर्न हो गया, कॉलम नेम इज करंट डेट एंड this is the current date. So first one has been completed and simply agar aapko usi date mein koi month ya phir particular day lena hai to aap kaise get karoge, so simply just select and agar aapko month chahiye to month, then uske andar jo bhi aapke particular date hai uske andar se agar aapko month chahiye to aap wo select kar sakte ho. Jaise mujhe aaj ki date jo hai usme kaun sa month hai wo mujhe janna hai, so simply I will do it and see. This is the April month. So यहाँ पर month written हो गया April 4. और वैसे ही अगर आपको day get करना है, आज कौन सा day है particular date में से, तो वो आप कर सकते हो get date. So as day. So it will return the today's date. So this is 28th April. Yeah. Now, another one is DATEADD function. Yeah, which it is very helpful, guys. So simply, what the DATEADD function do? ये आपको particular जो date है उसके अंदर से हम कुछ भी ऐड करके नेक्स्ट डेट गेट कर सकते हैं, मंथ गेट कर सकते हैं, ईयर गेट कर सकते हैं. सो सिंपली व्हाट वी विल डू, आप यहाँ पे सिलेक्ट डेट एड और उसके अंदर जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, लाइक आपको डे चाहिए तो यू विल राइट लाइक डीडी एंड ये जो करंट डेट है उसमें से मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए तो यहाँ पे मैं 7 ऐड करूँगी तो इट विल रिटर्न नेक्स्ट वीक टू मी. So see, today is 28th April, so it adds 7 days and it is returning 5th May. So अगर आपको previous चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, simply आप इसमें से minus कर सकते हो. Suppose मुझे कल का दिन चाहिए तो simply minus 1 करोगे, then it will return yesterday. So this is 27th April and अगर आपको मंथ चाहिए तो आप यहाँ पे mm कर दोगे देन इट विल रिटर्न द मंथ. तो यहाँ पे माइनस वन मतलब प्रीवियस मंथ, इट विल रिटर्न द मार्च. सो सी दिस इज द 3 मीन्स इट रिटर्न द मार्च मंथ एंड नेक्स्ट वन इज लाइक अगर आपको ईयर चाहिए जो करंट डेट है उसमें कौन सा ईयर है तो वो भी आप गेट कर सकते हो. लाइक अगर मुझे प्रीवियस ईयर चाहिए तो मैं सिंपली रन करूँगी तो प्रीवियस ईयर मुझे मिल गया 2018 और सपोज अगर मैं 0 करती हूँ तो क्या होता है देखते हैं. सो इट रिटर्न द करंट और अगर आपको फ्यूचर चाहिए तो फ्यूचर वाला चाहिए तो सिंपली प्रेस 1 एंड डू दिस. सो इट विल रिटर्न द नेक्स्ट ईयर. सो डेटेड फंक्शन इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सिंपल एंड अनदर वन इज डेट डिफ. इट रिटर्न द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू डेट्स. फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट है एक 27 डेट है एंड एक मेरी प्रीवियस डेट थी 20th. तो मुझे अभी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था वो चाहिए तो इट विल
be executed through the DATEDIFF function. So how it will execute? Simply copy कर लेते हैं यहाँ से. Select DATEDIFF and अगर मुझे ये मेरी दो डेट है, this one and this one. अगर मुझे इन दोनों डेट के बीच में से आवर्स चाहिए, कितने आवर्स है, so it will return the total hours. Like 24. ये मेरी डेट है 2nd अप्रैल एंड 1st अप्रैल. तो दोनों के बीच में एक दिन के बीच में 24 आवर्स का डिफरेंस होता है. तो आप वो रिटर्न कर सकते हो. एंड सपोज अगर इसमें से मुझे डे चाहिए, देन व्हाट इट विल डू, कितने दिन का डिफरेंस है वो मिल गया, वन डे का डिफरेंस है. वैसे ही मंथ चाहिए, तो अगर आप मंथ यहाँ पे तो जीरो मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मंथ, सो आई थिंक इट विल रिटर्न जीरो. इट रिटर्न. सो डेटेडिफ इज ऑल्सो सिंपल. And another one is date part. What date part will do? It will return the part of the date or time. आप अगर आपको particular date का कोई part आपको return करवाना है, तो we can execute with the help of date part. So simply what we will do? Date part, select date part, then day and get date. Suppose मुझे आज के date में से day चाहिए, then अगर मैं day यहाँ पे select करूँगी, तो ये मुझे current day return करेगा. सी टूडे इज द 28th अप्रैल. अगर वैसे ही आपको मंथ चाहिए, देन फोर्थ मंथ एंड ईयर चाहिए, तो सिंपली बाय बाय. सो डेट पार्ट इज ऑल्सो डन. एंड अनदर इज कन्वर्ट. या इट दिस इज द मोस्ट यूजफुल फंक्शन गाइज. सिंपली मतलब हम बहुत often we face so many problems related to date, like formatting and वो अगर जैसे ही server change होता है तो हमारे में date का issue बहुत आता है. तो this is very helpful, convert. So what it will do, it will display the date and time in different format. अगर आपको किसी भी कोई date की formatting करनी है, मतलब आपको DDMM YY में चाहिए या MMDD YY में चाहिए या YY MMDD में चाहिए, तो you can do it simply with the help of convert function. तो यहाँ पर इसकी syntax है, कन्वर्ट देन पर्टिकुलर डेट टाइप, आपको किस टाइप में चाहिए, एक्सप्रेशन कौन सी डेट आपको कौन सी डेट में से क्या रिटर्न कर रहा है, एंड द स्टाइल. या स्टाइल इज द कोड विच कन्वर्ट द फॉर्मेट ऑफ द पर्टिकुलर डेट. सो हम सिंपली यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सी सिलेक्ट देन वी डू लाइक कन्वर्ट एंड मुझे वेरकेर में चाहिए और यहाँ पे मैं इसकी साइज डिक्लेयर कर दूंगी एंड गेट डेट 101. वट इट विल डू, 101 जो है आपको डी डी एम 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 डी डी वाई वाई फॉर्मेट रिटर्न करेगा गाइज. ये आपको एम एम डी डी एंड वाई 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 इट विल रिटर्न दिस फॉर्मेट. एंड अगर आपको जैसे डी डी एम एम वाई वाई में चाहिए, तो वट यू विल डू, इट यू विल रिटर्न जस्ट 103 स्टाइल कोड. तो अगर आप 103 अप्लाई करोगे, तो ये आपका आपको डी डी एम एम वाई में रिटर्न करके देगा. वैसे ही अगर आपको फिर और फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे आपको डेट टाइम में चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो. आई थिंक यहाँ पे आप डेट टाइम मेंशन कर सकते हो, तो ये शायद आपको पूरे टाइम के साथ में देगा. या ये आपको टाइम के साथ में एग्जीक्यूट होगा. एंड आप यहाँ से इसके पूरे फॉर्मेट चेक कर सकते हो. ये लिंक मैं आपको, ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप यहाँ से पूरे जाके यहाँ पे इसकी पूरी जितने भी फॉर्मेट्स है वो सब आप चेक कर सकते हो और आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ फॉर्मेट. इट इज़ ऑल्सो सेम लाइक कन्वर्ट. तो ये भी आपको फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, टू फॉर्मेट द डेट एंड टाइम. अगर आपको कोई डेट या उसको फॉर्मेट करना है अपने कस्टमाइज वे में, वो तो क्या है, उसमें प्रीडिफाइंड कोड्स है जिनके अकॉर्डिंग आप रिटर्न करवा सकते हो. अगर आपको खुद का कोई कोड, मतलब खुद का एक फॉर्मेट चाहिए, तो वो आप कर सकते हो. सिंपली कैसे हम देखते हैं, सिलेक्ट फॉर्मेट देन पर्टिकुलर डेट एंड किस फॉर्मेट में चाहिए वो, और यहाँ पे आपका ओरिजिन आ जाएगा. तो यहाँ पे जैसे आप फॉर्मेट करोगे, तो देखो ये आपको रिटर्न हो गया. अभी सपोज यहाँ पे स्लैश में रिटर्न हो रहा है, बट यू हैव टू डू हाइफन. तो आप सिंपली हाइफन यहाँ पे मेंशन करोगे, देन इट विल रिटर्न द इन द हाइफन. सी वैसे ही आप यहाँ पे और भी मेंशन कर सकते हो, अगर एच एच एम एम में चाहिए, टाइम के साथ में चाहिए, तो शायद वो भी आप रिटर्न कर सकते हो. सी एंड अगर आपको ए एम पी एम भी साथ में चाहिए, तो आप जस्ट ए प्रिंट करोगे, तो ये भी आपको ए एम पी एम में रिटर्न करेगा. सॉरी, या आई थिंक ये इसका देखना पड़ेगा, ये पूरा अगर हमें ए एम पी एम
रिटर्न करना होता है. सपोज अभी ये मॉर्निंग है तो ए रिटर्न कर रहा है सिर्फ, और अब और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. आई थिंक दिस वन इज़ नॉट द कंपलसरी. या दिस फॉर्मेट इज़ नॉट कंपलसरी. आप सिंपली आपको पर्टिकुलर डेट चाहिए और बस कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप कर सकते हो. सिंपली अब अगर हमें जो हमारी डेट है वो हमें चाहिए YYMMDD में चाहिए, तो वॉट हाउ यू विल डू YYMMDD. या सो इट विल रिटर्न इन दिस फॉर्मेट. एंड अनदर वन इज कास्ट. कास्ट इज ऑल्सो द फंक्शन विच कन्वर्ट द पर्टिकुलर वैल्यू इन टू स्पेसिफाइड डेटा टाइप. सपोज आपको कोई भी आपका गेट डेट है वो आपको वेयर केयर में चाहिए, या कोई भी आपका कोई, ये जरूरी नहीं है कास्ट सिर्फ डेट पे अप्लाई होता है, ये किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो. जैसे कोई वेयर केयर वैल्यू है उसको आपको इंटीजर में रिटर्न करना है तो वो भी आप कर सकते हो. सिंपली मैं यहाँ पे डेट का एग्जाम्पल ले रही हूँ. तो सिलेक्ट कास्ट एंड गेट डेट है वो मुझे वेयर केयर में चाहिए, और मैं यहाँ पे इसकी साइज भी डिक्लेयर करती हूँ. सिंपली मैंने ये किया तो इट विल रिटर्न लाइक कास्ट मैंने किया वेयर केयर में किया तो अप्रैल. बाय डिफॉल्ट गेट डेट जो होता है वो कैसे रिटर्न करता है, मतलब करंट, जैसे हमने ये यहाँ पे देखा था तो करंट डेट सी यहाँ पे 2019/4 बाय डिफॉल्ट ये हमारे एसक्यूएल जो सर्वर है उसका फॉर्मेट होता है YYMMDD, तो ये फॉर्मेट रिटर्न करता है. बट जैसे अगर हमें कास्टिंग करके सपोज अप्रैल का जो 4 मंथ दिखा रहा है वो हमें अप्रैल लिखा हुआ आना चाहिए, तो उसके लिए हम कास्टिंग यूज़ करते हैं. तो अगर वेयर केयर करेंगे तो ये आपको मंथ जो है वो कैरेक्टर में दिखेगा. सो दीज ऑल आर द एसक्यूएल फंक्शन, डेट फंक्शंस विच आर वेरी यूजफुल गाइज. सो हैव अ लुक एंड यू कैन यूज इट विद यू अकॉर्डिंग टू योर वर्क. एंड आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन सो विल हेल्पफुल फॉर यू. एंड थैंक्स गाइज.